कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो आप पालियाफ मेंबर में बैठ के आपकी बातें कर सकें, आपके विकास की बात करें, आपकी बात कर सकें, आपकी दुख तकलीफों की बात कर सकें। मगर ये पैसा आया कहाँ से? उस MLC का न कोई दुकान है, न उसकी कोई ऐसी मतलब पब्लिकली रोजगार है कि जिसने। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद विनय मिश्रा जी, आपके सभी यूजरों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हमारी तरफ से। डॉक्टर साहब, इस समय लोकसभा का चुनाव सर पर है, जिस तरीके से चुनावी माहौल है, हर जगह बस चुनाव चल रहा है, तो इस समय जौनपुर की जनता लगातार कहीं ना कहीं परेशान रही है इस विकास को लेकर के, और लगातार जातिवाद का मुद्दा बना रहता है यहाँ पर। मैं सभी जनपद जौनपुर वाले साथियों को ये तो कहूँगा कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जरूर है कि आप वोट करें और अच्छे जो कैंडिडेट हों उनको चुनें, और जौनपुर का विकास कैसे होगा ये आपको भी विचारनी होगा, क्योंकि आप जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक आपके शहर के, कुनबे के, गांव के, आपके ज़िले के, तहसील का विकास नहीं हो सकता है। तो इसलिए, क्योंकि अब आप जो है 21वीं सदी में जा चुके हैं और उससे पार करने वाले हैं, तो कम से कम हर एक जनपद जौनपुर के बुद्धिजीवी व्यक्ति, जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा रखने वाले व्यक्ति लोग हैं, हर पार्टी में तमाम कैंडिडेट आएंगे, पर आपको चुनना है कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो आप पालियाफ मेंबर में बैठ के आपकी बातें कर सकें, आपके विकास की बात करें, आपकी बात कर सकें, आपके दुख तकलीफों की बात कर सकें, आपकी बेरोजगारी की बात कर सकें, आपके खेती किसानी की बात कर सकें। जैसा कि डॉक्टर साहब, आप सपा से MLC के प्रत्याशी भी रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल, चुनाव में क्या मुद्दा है इस बार, खास करके जौनपुर के जनता के लिए जो लगातार परेशान रहती है, आए दिन विकास कार्यों को, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप जमीन से जुड़े हैं, शायद जानते होंगे। देखिए, जो आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको छोटी इकाइयों से गिनवाना शुरू करूंगा। सबसे ज़्यादा जनता की परेशानी है उनकी खुद की सड़क, पेयजल, जल निकासी, तमाम ऐसी दिक्कतें। ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत है, तो कहने को छोटी मगर है बहुत बड़ी समस्या। साथ साथ में थाना हो जाए, कोतवाली हो जाए, तहसील हो जाए, कलेक्ट्रेट में हो जाए, तो आज भी देखेंगे कि चाहे जो भी मुकदमे होंगे वो अमीरों के नहीं हैं, टोटली गरीबों के हैं। आखिर क्यों ऐसा गरीब परेशान है? जनपद जौनपुर में मैं जानता हूं कि ये हमारी सरकारें बनती हैं जनता के जो है दुख को दूर करने के लिए, उनको उनके परिणाम स्वरूप जो देते हैं तो कम से कम उनके विकास की कोई बात करेगा। तो आज के डेट में मैं देख रहा हूं कि 1947 से भारत आज़ाद हुआ, और आज़ादी के आज के भी दिन पे देखें कि आज भी लोग जो है आज़ाद अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं, चाहे वो खेती किसानी से लेके हो, चाहे महंगाई से लेकर हो, चाहे रोज़गार को लेके हो, चाहे बेरोज़गारी को लेके हो। और आप जान लीजिए कि हर एक व्यक्ति, चाहे जो जिससे भी पूछेंगे, वो तुरंत बताएगा भैया बड़ी महंगाई है। आखिर ये बताइए, तो ये देश जब आज़ाद हो चुका है तो जनता क्यों नहीं आज़ाद हो पा रही है, ये भी प्रश्न है। जनता क्यों नहीं आज़ाद हो पा रही है? और सबसे ज़्यादा जौनपुर का मुद्दा है सड़क, नाली, जल जमाव और फ्लाईओवर। फिर इसके बाद आप शहर में चले जाइए, जाम की इतनी ज़्यादा किल्लत है, उसको भी दूर करना ये जनप्रतिनिधि का काम है। देखिए, लोकसभा जो बना हुआ है, जो उसमें जो सदस्य चुन के जाते हैं लोकसभा के, जौनपुर से 73 हो या 74 हो, यहाँ के जो भी लोकसभा के सदस्य जाएंगे माननीय लोग, तो कम से कम अपने जौनपुर की नब को, बात को टटोल कर वहाँ रखें। जो भी अगर आप अपने बात को नहीं रखेंगे तो आपकी जनता की मदद कहाँ से हो जाएंगी? बहुत ऐसे गांव हैं जिनको बहुत दूर तक तय करना पड़ता है पुल न होने के वजह से। नदी है, नाली है, नहर है, अगर इसको पार करके उनको जाना होता है, चाहे 4-व्हीलर हो या 2-व्हीलर हो, पैदल भी जाना हुआ हो, तो रास्ते जब नहीं रहेंगे तो लोगों को बड़ा लंबा सफ़र करके जाना पड़ता है। तो कम से कम इसके लिए भी बजट एलोकेट करा के आम जनता को सुविधा दें। जैसा कि डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो है घोषित कर दिया है कृपा शंकर सिंह के रूप में, समाजवादी पार्टी अभी कोई प्रत्याशी नहीं घोषित की है, और ख़ास बात ये रहा है, लगातार सुनने में ये आया है कि जौनपुर से कोई क्षेत्र या गांव का ग्रामीण कोई जो है टिकट नहीं पाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, जब जमीन स्तर का कार्यकर्ता या जमीन स्तर का कोई नेता टिकट ही नहीं पाएगा तो ग्रामीण इलाकों का विकास कैसे होगा, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, आपने सही प्रश्न किया है।
कि क्षेत्र का कोई अगर होगा जो ज़मीन की हकीकत को जानता होगा, ऐसा अगर प्रत्याशी होगा तो निश्चित रूप से अपने गांव के, अपने शहर की बात करेगा, अपने बाज़ारों की बात करेगा, अपने पब्लिक की बात करेगा, अपने लोग जो उनके मतदाता हैं उनकी बात करेंगे, उनके गरीब की बात करेंगे और जो परेशान व्यक्ति हैं उनकी बात करेंगे, खेत खलिहान की बात करेंगे। हाँ, बात सही एक ही पार्टी की नहीं है, पार्टी जितनी पार्टियाँ हैं वो टोटली पार्टियाँ सिर्फ और सिर्फ केवल ये देखते हैं कि कौन से कैंडिडेट को उतार के हम इनको जिता के लेके आए, एक ही पार्टी की बात नहीं है। और सही मायने में ये हो कि जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति यदि अगर वो आता है तो तभी जनता की कोई बात को वो सुना सकता है, अरे उसमें पालिया मेंबर में बैठकर। और लोकसभा संसद इसलिए बनी हुई है कि लगभग जो वहाँ के उनके मतदाता हों, उनके लोग हों, उनके जनता हों, उनकी बात वहाँ बैठ के करें कि आखिर जनता के बीच से क्या बातें होके आ रही हैं, खेत खलिहान की बात करें, रोज़गार की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें और पशु पक्षियों की बात करें, तालाबों की बात करें। आज तालाबों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है और आज तालाब के देखेंगे, तालाब जो है धीरे धीरे खेत में तब्दील होते जा रहे हैं। जब हमारे तालाब कम होते जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सारी समस्याएँ खड़ी होंगी, जल की सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी, तो इसलिए उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। डॉक्टर साहब, लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है मीडिया के सामने लगातार बड़े बड़े वादे करती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, अपराध नहीं है। जौनपुर में अभी प्रमोद यादव की हत्या, खलीजाबाद में सुबसपा की एक महिला नेता रही है उनकी हत्या, तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ यूपी में, अगर ग्रामीण इलाकों में या कहीं और जगह देखा जाए अपराध की क्या स्थिति है। जहाँ तक आप लगातार जुड़े रहते हैं जमीन से, थाने में जो शिकायतें आती हैं कि जीरो टॉलरेंस है हर जगह, हर दिन पूरे जौनपुर जिले में एक न एक मर्डर हो रहा है, क्या ये सिर्फ चुनावी हवा हवाई वादे हैं या फिर ये जमीनी हकीकत है? देखिए, जौनपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने ज़िले हैं हर ज़िले से ये बातें आ रही हैं। एनसीईआरटी की आप देखे होंगे एक आया है, उसमें सबसे ज़्यादा, यदि अगर सरकार चाहे जिसकी हो, भाजपा हो, समाजवादी, बसपा, किसी का भी हो, तो वो जीरो टॉलरेंस की बात तब करे जब उनके सरकार में क्राइम रुके। और ऐसा कोई दिन नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में कि ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 10 क्राइम न होता हो, और वो भी मैं बता दूं दो दो तीन तीन घंटे में 10-10 क्राइम हो रही हैं। और अगर उस क्राइम को उजागर करें तो ये तो आप जैसे साथी मीडिया लोग हैं कि छोटे छोटे जगह पे गांव में, कस्बों में, कुनबों में जा जा के ये सब उजागर कर दे रहे हैं। नहीं तो आजकल जो बड़े मीडिया वाले हैं वो तो ये सब ले ही नहीं आ पा रहे हैं। मैं आप देखिए, आप यही प्रमोद यादव मारे गए, कितनी बातें चली अभी तक, आज कैसा दिन है, आज चौथा दिन है, चौथा दिन में भी अभी तक जो है वो क्राइम करने वाले लोग नहीं पकड़े गए, हत्यारे एक भी नहीं पकड़े गए। अब वो हत्यारे कहाँ पे हैं, अब ये तो जवाब पुलिस के ऊपर भी तो सवालिया निशान उठ रहा है कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस के सामने वहीं पे जिले में इस तरीके की हत्या हो जाएगी, और वो भी थाना की दूरी भी ज़्यादा नहीं है, थाना की भी दूरी नहीं ज़्यादा है उनके घर से, और फिर भी जो है क्राइम करके लोग भाग जा रहे हैं। अगर कोई पार्टी आपको टिकट देती है या फिर जनता का सेवा करने का अवसर देती है तो क्या आप इसे दोनों हाथों से उठाना चाहेंगे या इन फ्यूचर कभी जनता के लिए स्वयं अकेले भी आने के विचार में हैं, ऐसा कुछ? देखिए, मैं हमेशा सच्चाई की बात करता हूँ, मैं झूठ की बात नहीं करता हूँ। और मेरा बस यही अंतरात्मा कहती है कि कैसे गरीब, नौजवान, बेरोजगार और किसान की बात होगी, पार्टी कोई भी हो, किसी भी दल से हो, किसी भी चीज़ से आ जाए। अभी मैं युवक हूँ, युवाओं के दर्द को मैं महसूस करता हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरा युवा साथी जो है वो कैसे हर जगह बड़े बड़े शहरों में जाकर, गांव से निकलकर, और वो तैयारियां करता है, पढ़ाई करता है, लिखाई करता है कि मतलब हम अपने माँ बाप के बूढ़े के सहारा बने, उनके लाठी बने, मगर क्या मिल रहा उनको, कोई भी सरकार बन जा रही है। तो उनकी बात तो मैं करने के लिए निकलूँगा, और कौन ऐसा नहीं चाहता कि अपनी जनता की बात न करे। और हम तो हमेशा सदैव प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष भी थे, जिस पद पर थे उस पद का निर्वहन करते हैं। अगर यदि मैं आज MLC रहा होता तो आप देखते लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर कोई बैठता और बात करता तो लगता कि किसकी बात कर रहा है। और जो MLC होता है वो कानून के दायरे में बैठ के बात करता है, कोई भी अमेंडमेंट आता है उस अमेंडमेंट पर साइन करता है, तो कम से कम वो तो देखे कि जो अमेंडमेंट आ रहा है क्या मेरी जनता के बीच में सही आ रहा है या गलत आ रहा है, तो उस बात को उनको भी परखने की ज़रूरत है। तो आज भी जो हमारे यहाँ के MLC साहब हैं,
जो स्थानीय निकाय के एमएलसी साहब हैं जौनपुर के, हमें नहीं लगता है कि आप अभी आप मीडिया साथी हैं, हम आपको एक बता जानकारी दे दें कि सुल्तानपुर वाले रोड पे, जौनपुर सुल्तानपुर वाले रोड पे वो वाटरफॉल बन रहा है जहाँ पे लोग जाएंगे और अपना घूम टहर के चले आएंगे और वहाँ पे ये चीज़ की वो बन रहा है कि अपना बिजनेस डाल रहे हैं। मगर ये पैसा आया कहाँ से? उस एमएलसी का न कोई दुकान है, न उसकी कोई ऐसी मतलब पब्लिकली रोजगार है कि जिसके वजह से वो पैसा कमा रहे हो, कमा के वहाँ डाल रहे हैं। ये पैसा कहाँ से रहा है? है तो एमएलसी का ही पैसा। आज भी देखिए कहीं पे भी एक गिट्टी नहीं दिखेगी आपको, या उनका कोई कहीं से भी एक बोर्ड नहीं दिखेगा कि फलाने के द्वारा ये बनाया गया है। न सड़क दिख रही है, न नल दिख रहा है, न तो जनता में कोई इस तरीके का दिख रहा है कि जो सोशलिस्ट काम होते हों। सोशल का काम तो कोई नहीं दिख रहा है। अब इनको एमएलसी बना दिया गया है तो बजट तो पूर्णतः विधायक के बराबर लेते हैं। उनको छूट भी मिलती है, पीडब्ल्यूडी में मिलता है, जल निगम में मिलता है, तमाम ऐसी जो पूर्वांचल निधि होती है उसमें भी बजट में भी इनको काफ़ी सहारा मिलता है कि मतलब जनता की सेवा करने के लिए, उनके लोगों के लिए। आज जो प्रधान और बीडीसी बेचारे उनको वोट दिए हैं, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और यहाँ तक कि उनको ये हो रहा है कि पता नहीं वो हमारा नंबर रखें कि नहीं रखें। ये भी दूसरा कोई प्रधान फ़ोन भी कर रहा है तो फ़ोन भी नहीं उठ रहा है। वो बता भी दे रहे हैं कि मैं प्रधान बोल रहा हूँ तो अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। कौन प्रधान बोल रहे? अरे 1749 ग्राम प्रधान को अगर आप नहीं जान पाए, उतने गाँव को नहीं जान पाए, तो आप समझ लीजिए काहे का एमएलसी हो भाई। आप एकदम लुकिंग में नहीं आ रहे हैं, एकदम छुपे हुए हैं। तो एक 9 विधायक में एक विधायक एमएलसी भी है। आज 9 विधायक के बाद 10 विधायक में है तो 9वें के बाद 10वां विधायक गिना नहीं जाता यहाँ पे। तो कैसे एमएलसी बने हो भैया? सिर्फ अपने ठाट बाट, अपने को शौक पूरा करने के लिए, अपने लिए बने हैं। अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं तो आप उस तरीके का काम करो ना जो दिखे कि हाँ आपने जनता में ये काम किया है। तो मैं बड़े घोर निंदा करता हूँ इनका कि इन्होंने केवल लोगों को ठगा है और ठग रहे हैं। न तो दिखे हैं, न दिख रहे हैं, न किसी के सुख में, न किसी के दुख में। कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो आप पालिया मेंबर में बैठ के आपकी बातें कर सकें, आपके विकास की बात करें? खास करके जौनपुर के युवाओं के लिए रोजगार, थोड़ा सा रोजगार, शिक्षा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। आज भी अगर हम जौनपुर के लोगों को पढ़ना है तो इलाहाबाद कहीं ना कहीं जौनपुर विकास के मामले में बहुत पीछे रह गया है, चाहे वो शिक्षा की मामला हो या फिर रोजगार की। ये जो वादे होते हैं, बड़े हवाई फायर होते हैं, ये सिर्फ जौनपुर के बाहर ही दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी उम्मीद और बड़ी आस है आपसे एक बार फिर से जौनपुर पर, युवाओं पर थोड़ा सा प्रकाश डालें डॉक्टर साहब, फिर अगली राय जानेंगे आप। देखिए ये बात आप सही कह रहे हैं कि हम युवा हमारे घर में भी हैं। अभी जो यूपीपी का जो एग्ज़ाम फेलियर हुआ है, इसमें हमारे यहाँ के हमारे घर के कम से कम 5 बच्चों ने दिया एग्ज़ाम। और फिर इसके बाद कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं उनकी उम्र भी चली जाएगी। अब अगली वैकेंसी जो अरे माननीय जी ने कहा, मुख्यमंत्री साहब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, कि ये मैं 6 महीने के बाद कराऊँगा। अब सोचिए 6 महीने में कितने बच्चे जो है ओवर एज हो जाएंगे, ओवर एज हो जाएंगे। क्या इसका ख्याल नहीं करेंगे? ये इसका भी ख्याल होना चाहिए। उस युवा से पूछिए उसका दर्द क्या है। 50,000 रुपया आप ले जाके जो है बच्चे खर्चा कर देते हैं 6 महीने साल भर में, और वो 50,000 कहाँ से आता है? वो खेती किसानी के जो गेहूं चावल रहता है ना, उसको बेच के किसान का बेटा पढ़ाता है वहाँ पे। आज वो युवा कितने दर्द में गुजरेगा। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, अब आपके जो सरकार है इस समय मौजूदा सरकार, अब आपको पढ़ा लिखा जो है मजदूर बनाने जा रही है। अगर आदमी यूपीएससी की तैयारी करने वाला व्यक्ति वो फरसा उठा के और झगुआ उठा के माटी धोता हुआ नजर आएगा तो आप बताइए ये देश कहाँ जाएगा, इस देश की स्थिति परिस्थिति क्या होगी? जिस बच्चे ने सोचा था कि देश की प्रगति के लिए मैं बेहतर कार्य करने के लिए मैं शिक्षा ले रहा हूँ और अपने देश को कैसे आगे लेके जाना है, इस लाइन में जा रहा है वो, अगर वो फरसा कुदाल और मिट्टी का बोझा उठा लेगा तो वो मजदूर बन जाएगा, तो देश क्या विकास करेगा? कौन सा विकास करेगा? आज उस बच्चे से अगर आप उससे अगर कोई उसकी व्यथा पूछेंगे तो रोना छोड़ हंसेगा नहीं।
और ऊपर से अगर कोई उसको पंच करके बात करेगा तो क्रोधित भी हो जाता है। और कितने बच्चे मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गए हैं। अब कितना बच्चा आप देखे होंगे, एक बच्चा था उसका नाम है कोई पाल करके बच्चा था, उसने पूरी डिग्री अपनी जला दी और जला के इसके बाद फांसी लगा लिया। मतलब कितनी बेवसी है कि बच्चे वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि क्या मैं नौकरी नहीं पा सकता। अब तो ऐसे हो गए कि जो आप आरओ एआरओ का देखिए, मतलब पेपर लीक हुआ उसको बहाली के लिए बच्चे वहाँ बैठे इलाहाबाद में, वहाँ पुलिस प्रशासन से पिटवाया जा रहा है। तो ये कोई बात है? सरकार आती है, सरकार बनती है यहीं के युवाओं के लिए, और 80% आबादी युवाओं की है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 80% आबादी है। और अगर ये 80% वास्तव में सही तरीके से अगर ठान लेंगे तो सरकार को तहस नहस करने में समय नहीं लगेगा।